मेरा नाम सैयद जाफर हुसैन, मैं एलिवेट हाई स्कूल जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम आठवीं कक्षा का जहाँ पहिया ये पाठ के बारे में जानकारी लेंगे। इसके लेखक है पी साईनाथ। ये पाठ क्या है? ये पाठ में अपने को महिलाओं के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा, उन लोगों का भी अधिकार किस तरीके से रहता, इसी तरीके से इस पाठ में अपन जा रहे हैं। पहले ये पाठ पुडुकोट्टई, ये तमिलनाडु में है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। ये पुडुकोट्टई में साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन था। कुछ अजीब सी बात है ना, ये तो ये साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन, ये तो एक अजीब सी बात है, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। लेकिन ये एकदम चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि पुडुकोट्टई ज़िले के हज़ारों नवाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए ये सब आम बात है। पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट के हज़ारों नवाक्षर जो पढ़े लिखे हैं, वो ग्रामीण महिलाओं के लिए, वो गांव के औरतों के लिए ये आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वो जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीक़ा लोग निकाल ही लेते हैं। जो महिलाओं का पिछड़ापन है उसको हटाने के लिए, यानी लात मारने के लिए, हटाने के लिए, अपना विरोध प्रकट करने के लिए, जो साइकिल चलाना जो विरोध है उसको प्रकट करने के लिए, और जो जंजीरों में इन लोग जकड़े हुए हैं, गांव से बाहर नहीं जाना, औरतें घर में काम कर लेना, ये जो जंजीरें हैं उसे तोड़ने के लिए, जिनमें से ये सब जकड़े हुए हैं उसे कोई ना कोई तरीके से बाहर निकलना चाह रहे हैं। कभी कभी ये तरीके अजीब व गरीब होते हैं, ये जो बाहर निकलने के तरीके जब जब अलग हो जाते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिले में से एक है पुडुकोट्टई। इंडिया के पूरे भारत के गरीब ज़िले में से एक तमिलनाडु का पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट एक है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। थोड़े दिनों से पहले यहाँ के जो औरतें हैं, जो गांव के औरतें हैं, उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए, स्वाधीनता, अपनी आज़ादी के लिए और गतिशीलता के लिए, यानी आगे बढ़ने के लिए, डेवलप करने के लिए, ये अभिव्यक्त करने के लिए एक निशानी उन लोग चुन लिए हैं, एक प्रतीक, वो है साइकिल। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी, उसमें से बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हुए थे। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं को 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। इसमें से अगर से 10 साल पीछे अपन चले गए, यानी तो 10 साल की उम्र के लड़कियों को अपन देखें, तो इसका अर्थ यह है कि यहाँ के ग्रामीण महिलाएं 1/4 हिस्सा, 1/4 साइकिल चलाना सीख लिया। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया, और अभी भी उन्होंने साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। इस तरीके से उन लोग स्वाधीनता, पराधीनता अभिव्यक्त करने के लिए जो साइकिल चुना है और साइकिल सीखे हैं, तो ये महिलाएं 70,000 से भी अधिक महिलाएं प्रदर्शना एवं प्रतियोगिता इसमें हिस्सा लेने, सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने बड़े गर्व के साथ अपने कौशल का, अपने तरीक़ों का प्रदर्शन किया और उसमें साइकिल चलाने की इच्छा भी जारी की और उसमें हिस्सा भी लिए और साइकिल चलाने की उनकी जो ख्वाहिश है, इच्छा है, वो भी वहाँ पे जाहिर हुआ। वहाँ इसके लिए एक प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, वहाँ पे ये साइकिल चलाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे थे।
ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़क से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती है। जो गांव के पुडुकोट्टई के मेन इलाकों से जहां पे सब कानून की पाबंदियां रहते हैं, जो मज़हब के पाबंदियां रहते हैं रूढ़िवादी, ये पृष्ठभूमि से आई ऐसी जगह से आई तो युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों पे साइकिल चलाना यहाँ पे दिखाई दे रहा। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह हमारा अधिकार है चलाना, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ से जमीला बीवी एक लड़की से, इन लोग एक युवती से इन लोग पूछे तो ना क्या बोल रही, साइकिल चलाना हमारा अधिकार है, साइकिल हमारा अधिकार है चलाना, हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, अब हम लोग साइकिल चलाना सीख लिए, अब बस आई तो हम गांव को जाना है, दूसरी जगह जाना है, वहाँ पढ़ना है, लिखना है, आना है, फिर बस का इंतज़ार करना, ये नहीं होता, हम साइकिल पे जाते और साइकिल पे आ जाते। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फतवाएँ कसते थे, फतवियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कई ध्यान नहीं दिया। मैं जब साइकिल चलाना शुरू करें तो मेरे ऊपर कई इल्ज़ाम, पाबंदियाँ सब लगाते थे, लेकिन वो सब चीज़ों को मैं दूर कर दी, फिर भी मैं साइकिल चलाना सीख ली। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ती है और उन्होंने साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। और इसके बाद ये जमीला के बाद अब फातिमा है, इन्हें भी एक माध्यमिक स्कूल से, मिडिल स्कूल से पढ़ती, उनको साइकिल चलाने की इतनी ख्वाहिश हो गई कि हर रोज़ शाम के टाइम एक आधा घंटा साइकिल किराए पे लेके साइकिल चलाना सीखती थी। ये एक नई साइकिल ख़रीदने की उनकी हैसियत नहीं है, बेचारी फातिमा के पास एक नई साइकिल ख़रीद लेंगे चला लेंगे बोल के उतना पैसा तो उनके पास नहीं है, उतनी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है। फिर फातिमा से पूछे तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोल रही, साइकिल चलाने से ये ख़ास आज़ादी मिल जाती, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, हम किसी के ऊपर भी डिपेंड होना नहीं पड़ता, क्योंकि साइकिल पे गए साइकिल पे आ गए, बस आना है बस में जाना है बोल के बस का इंतज़ार देखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, और कोई लेके जाके छोड़ना है लेके आना है ये भी ज़रूरत नहीं है, साइकिल चलाने आ गया तो हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी, ये साइकिल चलाना मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनके मित्र अवकनी, इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है, जैसे कि जमीला है, फातिमा है और उनके सहेलियाँ हैं, इन लोग सब कम से कम 20 साल की उम्र के आसपास है। इन लोग मिलके अपने अपने मज़हब वालों के लिए साइकिल चलाना सिखाना शुरू करती हैं। इस ज़िले में साइकिल की धूम मच हुई है, ये जो पुडुकोट्टई है ये डिस्ट्रिक्ट में साइकिल की धूम मच गई, इसके प्रशंसकों में है महिला खातिर मजदूर, पत्थर खादने में मजदूरी करने वाले औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, और इसमें इन लोगों की तारीफ़ करने वालों में जो औरतें हैं, जो हर रोज़ मजदूर करने वाले, मजदूरी कर लेने वाले हैं, पत्थरें फोड़ने वाले हैं और गांव में जाके काम करने वाले औरतें हैं और थोड़े गांव के नर्सेस हैं, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इसके साथ साथ बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी हैं, बेशकीमती पत्थरों को तराशने वाले औरतें और स्कूल के अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं, और पत्थरों को तराशने वाले औरतें और टीचर्स अध्यापिकाएं, इन लोग भी ये साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं।
ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाले औरतें भी पीछे नहीं हैं। इसके साथ साथ ग्राम सेविकाएं यानी गांव के जो लीडर्स रहते हैं, सेविकाएं रहते हैं, सेवक रहते हैं, उन लोग भी हों दो और दोपहर का खाना पहुंचाने वाले औरतें भी हों दो, इन लोग भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या में उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई है। सबसे बड़े ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स हैं, औरतें हैं, वो है पढ़े लिखे हैं। जिस किसी नवक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। मैं ये नए नए लड़कियों से और नौकरियां करने वालों से बातचीत करने के बाद, ये कौन है, साईनाथ, इन्हों बातचीत करने के बाद ये मालूम हुआ कि व्यक्तिगत आज़ादी, ये अपनी व्यक्तिगत आज़ादी है, ये अपनी आज़ादी है, इसके बीच साइकिल चलाना और अपनी आज़ादी के बीच एक गहरा संबंध है। ये संबंध को अपन छोड़ नहीं सकते। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। एक अगुआ एक औरतों से पूछे तो ये बात बता रही कि ये आंदोलन जो महिलाओं का आंदोलन है, इसमें बहुत आत्मविश्वास, ये हम कर सकते बोल के एक भरोसा उन लोगों में हुआ। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। और ख़ास बात यह है, महत्वपूर्ण एंड ख़ास बात यह है कि जो जेंट्स के ऊपर डिपेंड होकर रहते थे औरतें, उन लोगों के ऊपर ज़रा काम का दबाव कम हुआ। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। अब ये महसूस करेंगे हम, हर एक औरत भी साइकिल के ऊपर 4 किलोमीटर दूर तक जाके पीने का पानी ला लेने के वास्ते चले जा रही। या पहले तो ये जेंट्स का काम था, अब साइकिल इन लोगों को चलाने के वास्ते आने की वजह से अब इन लोग जाके साइकिल पे पानी ला ले रहे हैं। कभी कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं, कभी कभी साथ में उनके बच्चे भी जाते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। और जब जब कहीं से दूसरे गांव से कुछ सामान ला लेना है, खाने पीने की चीज़ें यानी तो घर का सामान कुछ ला लेना है, तो ये औरतें साइकिल पे जाके अपन खुद ला ले रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया। लेकिन इन लोग साइकिल चलाना शुरू किए तो वहाँ के लोग इन लोगों के पर बरसने लगे, प्रहार करने लगे। ये प्रहार को इन लोग ढोलना पड़ा, झोलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। कितने की गंदे गंदे बातें इन लोगों के पर करना शुरू करे, लेकिन धीरे धीरे ये सब अंत होते हुए, ख़त्म होते हुए एक सामाजिक स्वीकृति को मान लिए। जब से साइकिल चलाना यह महिला अपना लिए, साइकिल प्रशिक्षण की शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। साइकिल चलाने की ट्रेनिंग देखना एक असाधारण अनुभव है, एक्सपीरियंस है। किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाले महिला ने रविवार को इकट्ठा हुई थी। वहाँ पे खरीब के किला कुरुची गांव में सभी महिलाएं साइकिल सीखने के लिए हर संडे के दिन, रविवार के दिन वहाँ पे जमा होते थे, इकट्ठा होते थे। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवोग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। जो ये साइकिल चलाने का जो आंदोलन हुआ था, वो आंदोलन के समर्थन में ऐसे शिविर लगाना, ये सब देख के सब जने हैरान हो रहे थे। उन्होंने इसे सीखना ही है, ये महिलाओं को ये साइकिल चलाना सीखना ही है। साइकिल ने उन्होंने पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की
घिसी-पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। जो यह साइकिल चलाना सीखना और जो पुरुषों के द्वारा थोपे हुए कामों से इन लोग धीरे धीरे वो रोज़मर्रा काम छोटे छोटे कामों को कर लेना, ये सब कामों के लिए एक रास्ता यहाँ पे निकल आया। ये साइकिल चालक गाने भी गाती है, उन गानों में साइकिल चलाने के प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव यह है, वो बहना आज सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। ये साइकिल ट्रेनिंग करते करते इन लोग थोड़े गाने भी गा लेते थे, वो गाने के लिए इंकरेज भी होता था। वो गाने की पंक्ति ये है कि वो बहनों आज सीखे साइकिल घुसे समय के पहिए संग, यानी टाइम के बराबर टाइम को अपन रूटीन कर लेते हुए टाइम को कम करते हुए, यानी जो काम देर से होता था वो अब अपन जल्दी जल्दी कर ले सकते, इस तरह से अपन टाइम को मेंटेन कर लेते हुए ये काम कर सकते हैं, बल्कि गीत गाते हुए इन लोग निकलते थे। जिन्हें साइकिल चलाने के प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। जहाँ पे यहाँ पे साइकिल चलाने जो ट्रेनिंग में से पास होकर निकले साइकिल चलाना सीख लिए, तो जो महिलाएं हैं उन लोग अभी नई नई सीखने वाले महिलाओं को एंकरेज करते हुए उन लोगों का साथ देते हुए उन लोगों को साइकिल चलाना सिखाया। उनमें यहाँ ना केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बल्कि उनके बीच ये उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। उन्हें यहाँ पे सिर्फ साइकिल सिखाना और यह साइकिल चलाते हुए देखना ये इच्छा होते हुए और उनके बीच और एक खुशी ये भी थी कि ये महिलाएं यहाँ के महिलाएं सब जने साइकिल चलाना सीख लेना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। 1992 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिनोत्सव इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बाद यह डिस्ट्रिक्ट कभी भी पीछे नहीं रहा। हैंडल पर झंडियां लगाए घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाएं ने पुड़कोटाई में तूफान ला दिया। हैंडल साइकिल के हैंडल पर झंडियां लगा के और घंटियां बजाते हुए 1500 औरतें साइकिल पर जमा होके वहाँ पर पुड़कोटाई में एक तूफान मचा दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों की हक्का बक्का कर दिया। जो ये महिलाएं साइकिल चला रही ये चलाने की तैयारी जो है वो पुड़कोटाई में रहने वाले सब लोग हक्के पिके हो गए। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी, इसके पक्ष में आर साइकिल के मालिक को तो रहना ही था, इसके बारे में पुरुषों की क्या राय थी, क्या मशवरा था? तो इसके पक्ष में जो आर कंपनी के साइकिल मालिक हैं उनका तो वहाँ पे रहना था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज़ साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। ये जो साइकिल के मालिक हैं आर कंपनी के मालिक हैं यहाँ पे इन लेडीज़ के जो साइकिल की बिक्री है वो साल भर के अंदर उनकी कीमत ज़्यादा हो गई, उनके जो इनकम है वो ज़्यादा होते गया। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को दो कारणों से कम करके आंका गया। इनके जो आंकड़ा है वो दो कारणों से उसे कम करके उसे नापा गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाएं ने जो लेडीज़ साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। जो लोग लेडीज़ साइकिल नहीं खरीद सक रहे थे उन लोग जेंट्स की साइकिल भी ख़रीदना शुरू करें। दूसरे उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। और दूसरी बात यह डीलर की बड़ी सतर्कता के साथ ये जानकारी दी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग
का कोई आदमी हूँ, यानी इनकम टैक्स का कोई आदमी हूँ, बोलकर इस तरीके से उन लोगों को लगा था। कर विभाग का कोई आदमी हूँ, यानी इनकम टैक्स का कोई आदमी हूँ, बोलकर इस तरीके से उन लोगों को लगा था। कुदमी अन्नमलाई के चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खाद में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा, जो कुदमी अन्नमलाई की। वहाँ पे बहुत सारी धूप रहती, वो धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह, एक दृश्य की तरह वहाँ पे पत्थर खोदने वाली दौड़ती भागती 22 वर्ष की एक महिला, उसका नाम है मनोरमणी, उसको लोगों ने साइकिल सिखलाते हुए देखे। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। हमारा गांव ये शहर के इलाके से पूरा कोने में है, वहाँ से यहाँ तक आना बहुत मुश्किल है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ती जा रही है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित अर्धिक निहित तर्द थे, साइकिल चलाने का बहुत निश्चित सोचने का आर्थिक पैसों का निर्धारित थे, पैसे नहीं थे, उतनी साइकिल खरीदने की गुंजाइश हमारे नहीं थी। इससे आय में वृद्धि हुई है। अब क्या है, टाइम पे आना, टाइम पे चले आना, इस तरीके से आने से हमारे को आय में यानी पैसों में तरक्की में वृद्धि हुई, डेवलप हुआ। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गाँव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। यहाँ के जो महिलाएँ हैं इन लोग कृषि संबंधी यानी तरकारियाँ वगैरह खेतों से रिलेटेड थोड़े सामान जो फसलें उगते हैं उसे बाजू के शहर में बेच के आते हैं। साइकिल की वजह से बसों का इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। जो साइकिल रहने से उन लोग बस में जाके बेच के आने के लिए जो इंतज़ार करते थे वो इंतज़ार का टाइम यहाँ पर उन लोगों को बच जा रहा। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ पे खराब परिवहन यहाँ पे बसें वगैरह नहीं आने की जगह, वहाँ पे व्यवस्था सड़क वही अच्छी नहीं है तो जगह जो ये व्यवस्था नहीं रहती, वहाँ के लोगों के लिए ये साइकिल बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरे, इसे इन्होंने इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। और दूसरा फायदा ये है कि हमारे पास साइकिल है, हम कभी भी जा सकते हैं और कभी भी आ सकते हैं। ये सोच के महिलाएं बस का इंतज़ार नहीं देखे तो ऐसा अपना सामान बेचने के लिए उन लोग ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। और तीसरा फ़ायदा ये है कि जहाँ तक बस जाती थी वहाँ पर जाके पहले बेच के आते थे, अब वो नहीं रहा। इनके पास साइकिल रहने से और आगे तक भी, गलियों तक भी, शहर के कोने कोने तक भी इन लोग जाके बेच के आ सकते हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। और चौथी चीज़ ये भी है, आप चाहें तो आराम करने के लिए भी आपको टाइम मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। जो छोटे कामकाज करने वालों को बसों के लिए इंतज़ार करना पड़ता था और बस स्टॉप तक महिलाओं को पहुंचाने के लिए या पिता की ज़रूरत रहती थी या भाई की या पति की, उन लोगों के पर डिपेंड होकर रहना था, अब ये सारे चीज़ें हट गए। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गाँव तक ही जा पाती थी। अब इन लोगों के ने जो भी सामान थे, जो कृषि संबंधित सामान थे वो बेचने के लिए थोड़े बस जहाँ तक जा रही वहाँ तक ही इन लोग जाके बेच सकते थे। वही गांव में बस जो गांव में जाती वो गांव में जिन लोग बेच सकते थे, लेकिन अब ये चीज़ें हट गए। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था और थोड़े लोगों को पैदल जाके बेच के आना पड़ता था। जिसके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं, जिसके पास साइकिल नहीं है उन लोग अभी भी पैदल जा रहे हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए
या पीने के पानी के लिए जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। ये पानी लाने के लिए यानी तो घर के बच्चों को देखने के लिए जो भी घरेलू कामों के लिए इन लोग फिर जल्दी घर को पहुंचना पड़ता था। जब जिसके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। अब जिसके पास साइकिल है उन लोग अपना पूरा काम बिना परेशानी के पूरा काम कर लेके आती। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते में भी, इसका मतलब ये है जो महिलाएं हैं उन्हें अब किसी भी सुनसान रास्ते में भी इन लोग जा सकते हैं। जो सुनसान रास्ता है वो भी जा सकते हैं और देख भी सकते हैं। और कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लदे चली जा रही है। और थोड़े माएँ थोड़े मदर्स अपने साइकिल पे सामने बच्चे को बिठा लेके पीछे कुछ बेचने का सामान रख लेके पीछे कैरेज पे ये सामान बेचने के लिए इन लोग चले जा रहे हैं। वो अपने साथ पानी से भरे दो या तीन बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती हैं। वे अपने साथ पानी के भरे हुए दो तीन बर्तन भी साथ में रख लेके घर के काम पर जाते हुए भी अपन देख सकते हैं। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर भी ही बल देना गलत होगा। ये दूसरे चीज़ों को देखते हुए सिर्फ अपन पैसों के पहलू आर्थिक के पहलू को देखना बिल्कुल गलत है। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास की भावना पैदा हुई है। जो साइकिल के प्रशिक्षण है ट्रेनिंग है उसकी वजह से महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास भर के आया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। ये मामला जो साइकिल चलाने का मामला है वो केवल पैसों के लिए आर्थिक के लिए नहीं है। ये बात फातिमा बताएं जिस तरह उन्हें बताना शुरू करें तो जब मुझे ऐसा लगा कि मैं कितनी मूर्खता से कितनी बेवकूफ़ी से इन लोगों के बारे में सोच रहा था। उसने आगे कहा साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है। और आगे उन्होंने और एक बात भी कही कि साइकिल चलाने से मुझे कुछ पैसे मिलते क्या, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ, मैं तो हर रोज़ पैसे गंवा रही, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल ख़रीद सकूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल ख़रीदने सकूं, मेरे पास साइकिल ख़रीदने के उतने पैसे नहीं है, रोज़ मैं किराए पे साइकिल लेके सीखती हूं और चलाती हूं। तो इसका मतलब साइकिल किराए को लेने के लिए मैं रोज़ पैसे खर्चा करती हूं, लेकिन हर शाम को किराए पर साइकिल लेती हूं ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। लेकिन रोज़ हर रोज़ एक आधा घंटा या घंटा मैं साइकिल लेती हूं और आज़ादी से खुशहाल होते हुए मैं उसका अनुभव करती हूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्रती सवारी के बारे में भी कभी इसी तरह सोचा ही नहीं था। पुडुकोट्टई को पहुँचने से पहले ये लेखक पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले यहाँ के गांव के बारे में वहाँ के सब जानकारी के बारे में अब तक यू नो ऐसा सोचे भी नहीं थे। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। मैं तो साइकिल को कभी भी अंधो ये आज़ादी की निशानी है बोलकर मैं कभी भी नहीं सोचा था। एक महिला ने बताया लोगों के लिए ये समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए ये कितनी बड़ी चीज़ है। वहाँ पे एक औरत एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए दूसरे लोगों के लिए ये समझना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है कि हर एक गाँव के महिलाओं के लिए ये कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो ये हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। ये जो गांव के लोगों के लिए गांव के महिलाओं के लिए ये प्लेन जो चला रहे हैं उतनी खुशी इन लोगों को हो रही साइकिल चलाने से। लोग इस पर हंस सकते हैं लेकिन केवल यहाँ की औरतों ही समझ सकती है कि उनके लिए ये कितनी महत्वपूर्ण है। दूसरे लोग ये चीज़ के ये बातों के लिए हंस सकते हंसी मजाक उड़ा सकते लेकिन ये गाँव वालों के लिए ये साइकिल चलाना साइकिल सीखना ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ के महिलाओं के लिए ही ये
मालूम होता। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाहें और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जहाँ और टहले, जहाँ पर भी जाके टहलते रहेंगे, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो महिलाओं से पीछे रहेंगे, महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। ये था आज का पाठ, यहाँ पे ये पाठ समाप्त।